बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत धरा अंसारी टोला के बड़ी ईदगाह में अदा की गई ईद की नमाज। ईद के मौके पर बनमनखी के सभी ईदगाह में ईद की नमाज बड़ी संख्या में अदा की गई और नमाज के बाद एक दूसरे से सभी गिला शिकवा को भूलकर गले से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दिया। रमजान में पाक महीने के 30 रोजा रखने के बाद खुशी से 2 रिकात नमाज अदा की जाती है। इस मौके पर ईदगाह में इमाम 2 रिकात नमाज के बाद ऐलान या खुतबा पढ़ते हैं और फिर ईश्वर अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि इस बार खुसूसी तौर पे देश में अमन चैन के लिए दुआ किया गया और सारे संसार में अमन रहे इसके लिए भी दुआ की गई। इस बार इमामती कर रहे थे हाफिज मोहम्मद इसरार अंसारी और नमाज में शरीक MS परदेसी के साथ साथ सभी गणमान्य ग्रामीण अलहाज मोहम्मद जमील, हाजी मोहम्मद किफायत, हाजी मोहम्मद यूनुस अंसारी, हाजी मोहम्मद जब्बार, हाजी मोहम्मद उस्मान, हाफिज व मास्टर मोहम्मद तौफीक आलम, हाफिज रज्जाक, हाफिज अबूजर, हाफिज मिनहाज, हाफिज हन्नान, मोहम्मद अरशद आलम, अधिवक्ता मोहम्मद आजाद आलम, नूरुल ठेकेदार मोहम्मद फहीम, डॉक्टर शहनवाज, मसूर मास्टर, बबलू डीलर, हसीब आलम, साफो अंसारी, मोहम्मद नबी हसन, अली अंसारी, मोहम्मद मनीर, नियाज मास्टर, सबीर मास्टर, सफी अहमद, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद नौसाद इत्यादि नमाज अदा किया। सुरक्षा के दृष्टि से बनमनखी थाना के SI विनय कुमार सिंह अपने जत्थे के साथ मौजूद दिखे। ऐसे भी कोई ईदगाह में कोई अप्रिय घटना होने की सूचना नहीं है। बाद नमाज हाजी सिराज खानदान के सभी अहलो अहाल कब्रिस्तान घूमने के लिए गए, चूँकि वहां भी दुआ मांगी जाती है मगफरत का, और इसी तरीके से सारे ग्रामीण भी कब्रिस्तान में पहुंचे और अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगी और इस तरीके से ईद की खुशी समाप्त हुई। चूँकि रोजा के बाद ईद में बहुत खुशी होती है, शायद इसलिए सभी गले से गले मिलते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी।